आप अपने घर का जो बेडरूम है उसको बहुत साफ सुथरा रखिए, उसके चद्दर को और तकिए को एकदम साफ सुथरा रखें। आपके कंबल है उसको समेट के रखें। कमरे का वातावरण बहुत अच्छा रखें। पति और पत्नी का तनाव छूमंतर हो जाएगा दोस्तों। एक आपका कपल का फोटो जो है वो आपके बेडरूम के अंदर जरूर लगाइए। कपड़े इधर उधर बिखरे रहेंगे, बेड आपका गंदा रहेगा, तो बिल्कुल भी आपका जो मन है आप पीसफुल नहीं हो पाएंगे बेडरूम के अंदर। तो ये ध्यान रखें कि आपका बेडरूम अच्छा रहने के लिए उसको घड़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात बहुत और बढ़िया बताता हूँ आपको दोस्तों, आपके बेडरूम का आप सप्ताह में एक बार नमक, अपने पानी के अंदर नमक डालकर और उसका पोछा लगाइए, जो भी नकारात्मक एनर्जी है वह दूर हो जाएगी। बेडरूम एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पर मध्यम लाइट हो, धीरी लाइट होगी तो वह अच्छा लगेगा। ध्यान रखें आपकी बेडरूम के सामने, जहाँ जिस बेड पर आप सोते हैं उसके ठीक सामने कोई कांच नहीं हो, जिसका प्रतिबिंब आपके बेड के ऊपर पड़ता है वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे ही मेरे वास्तु के नए टिप्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।